हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का अध्ययन करेंगे, जिसमें अम्ल है अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसिड से बना है, जिसका अर्थ खट्टा है। अम्ल के सामान्य लक्षण, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये जलीय विलयन या जल के साथ एच प्लस आयन देते हैं। अम्ल विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होते हैं। अब प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले कुछ अम्ल प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले कुछ अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिड CH3 COOH। अब प्राकृतिक अम्लों का अध्ययन करेंगे एवं प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। जैसे संतरा, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दूसरा है सेब में मैलिक अम्ल, तीसरा है सिरका में है एसिटिक अम्ल, जिसे एथेनोइक भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। फिर है टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, फिर है इमली में है टार्टरिक अम्ल,
फिर है खट्टा दूध, या दही, लैक्टिक अम्ल, फिर चिंटी के डंक, चिंटी का डंक, या नेटल पौधे का डंक जिसमें होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, अब एक विशेष बात ध्यान रखनी है विशेष है शुक्र ग्रह के, शुक्र ग्रह का वायुमंडल, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले रंग के बादलों से बना है। अब हम पढ़ेंगे बेस क्षारक या एल्कली। क्षारक शब्द अरबी भाषा के, क्षारक शब्द अरबी भाषा के, अरबी भाषा के, अरबी भाषा के एल्कली एल्कली से बना है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ पौधे की राख से है। अब बेस के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इनका पीएच मान
साथ से दिख होता है। ये जल के साथ OH माइनस आयन देते हैं। अब कुछ सामान्य सारक कल पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।